बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम किन लोगों की दुआ तहज्जुद में भी कबूल नहीं होती अल्लाह तहज्जुद में हमारे बहुत करीब होता है वैसे तो अल्लाह हर वक्त ही हमारे करीब होता है मगर तहज्जुद का क्या कहना क्योंकि यह वह वक्त होता है जो अल्लाह ताला सातवें आसमान से पहले आसमान पर आता है और कहता है है कोई मदद मांगने वाला मैं उसकी मदद करूं है कोई दुआ मांगने वाला कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं है कोई हाजत मांगने वाला कि मैं उसकी हाजत भर लाऊं है कोई बख्श मांगने वाला कि मैं उनको बख्श दूँ इसलिए तहजद को अल्लाह की लाडली इबादत कहा जाता है और तहजद पढ़ना हर किसी के नसीब में नहीं होता वो लोग बहुत खुश नसीब होते हैं जिन्हें तहजद पढ़ने को नसीब होता है क्योंकि अल्लाह जब अपने बंदों से नाराज़ होता है तो उसे सजदे की तोफीक छीन लेता है जिन लोगों को फ़र्ज नमाज के साथ तहजद का सजदा भी नसीब हो रहा है वो लोग अल्लाह के कितना पसंदीदा बंदे हैं और अल्लाह के कितने क़रीब हैं ये सिर्फ़ अल्लाह ही जानता है इसलिए तहजद की इबादत अल्लाह के नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है क्योंकि अल्लाह अपने वही बंदों को इस बेहतरीन इबादत के लिए चुनता है जिनकी इबादत उनको पसंद आता है इसलिए तहज्जुद पढ़ने वाले बंदे अल्लाह के बहुत खास बंदे होते हैं तहज्जुद की अहमियत और फजीलत आपने तो बहुत जगह पढ़ी और सुने होंगे तहज्जुद की नमाज में सबसे पहले हमारे नियत को देखा जाता है जो शख्स अल्लाह की रजा और उसकी मोहब्बत के लिए तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं और हम में से जो लोग सिर्फ़ अल्लाह की रजा और मोहब्बत के लिए तहज्जुद पढ़ें अल्लाह उनके हाथ उठने से पहले ही उनकी दुआ कबूल कर लेता है लेकिन आजकल ज्यादातर लोग तहज्जुद सिर्फ इसलिए अदा करते हैं कि अल्लाह हमारी ख्वाहिश पूरी कर दे या अल्लाह हमारी फला ख्वाहिश पूरी कर दे या अल्लाह हमारे सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए पढ़ते हैं और जब वो चीज़ मिल जाती है तब आप तजद पढ़ना छोड़ देते हैं तजद की नमाज सिर्फ़ अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने के लिए पढ़नी चाहिए ना कि सिर्फ़ अपनी दुआओं को कबूल करवाने के लिए इसलिए जब आपकी दुआ कबूल नहीं होती है तो आप अल्लाह से शिकवा करना शुरू कर देते हैं कि अल्लाह हमारी दुआ ही नहीं सुन रहा अल्लाह किसी की दुआ कोई भी दुआ रद्द नहीं करता आपकी दुआ या तो फौरन कबूल हो जाती है या कुछ वक्त बाद कबूल होती है या फिर अल्लाह उसे आखिरत के लिए जखीरा कर लेता है तो ये कभी नहीं कहना चाहिए कि मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही है ये मेरी दुआ कबूल नहीं हुई क्योंकि हमारा फ्यूचर तो सिर्फ़ अल्लाह ही जानता है अल्लाह तो हमें सत्तर माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है इसलिए कभी भी दुआ के कबूलियत में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए क्योंकि अल्लाह ही बेहतर जानता है कि हमारी दुआ कब कबूल होना बेहतर है और जब हम दुआ के कबूल ना होने पर यह कहते हैं कि अल्लाह ने हमारी फला दुआ नहीं सुनी या कबूल नहीं की यह हमारी ख्वाहिश पूरी नहीं की मैं तो तहजद में भी उठ उठ कर मांगा था तहजद की नमाज़ अल्लाह ने अपने बंदों से करीब होने के लिए रखी है अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह पाक हम सबको रोज़ तहजद की नमाज अदा करने की तोफीक़ अता फरमाए आमीन प्यारे दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना अस्सलामुअलैकुम